आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ सविता। पे से रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें कोलकाता से। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने श्रीपुर हिंसा की घटना पर पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा है। रविवार को राज्यपाल ने कहा कि पुलिस को निडर और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। एक चैनल पर राज्यपाल ने कहा कि इस पूरी घटना की जांच निडर और निष्पक्ष होकर करना चाहिए, लोगों का विश्वास अर्जित करना चाहिए। कल से सीएम ममता बनर्जी 4 दिवसीय मिदनापुर दौरे पर जा रही है, वहाँ सीएम के कई कार्यक्रम हैं। भ्रष्टाचार मामले को लेकर राजनीति गलियारों में आरोप प्रत्यारोप तेज है, यहां तक कि टॉलीवुड से भी कई के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के भी आरोप लग रहे हैं। हाल ही में भाजपा विधायक व अभिनेता हिरण चट्टोपाध्याय ने भी स्वर बुलंद किए। अब घाटाल के स्टार एमपी दीपक अधिकारी ने हिरण को चुनौती दी। देव ने कहा कि अगर उनके पास सबूत है तो वे सबूत लेकर एजेंसी के पास जाएं। आगे हमें घाटाल लोकसभा में बोलेछिलाम जे आपनादेर एखानकार सांसद दीपक अधिकारी तिनिओ बिराट भावे दुर्नीतिते जड़ित 5 কোটি টাকা এনামুল হকের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। আমি যেমন দেবকে নিয়ে বলেছিলাম, আপনারা দেখেছেন বনি সেনগুপ্তার মতো একজন ছোট্ট একটা বাচ্চা ছেলে সবেমাত্র অভিনয়তে এসছে, সেও কীভাবে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। তারপরে আপনারা দেখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের যারা যারা আছে, শাহিনী ঘোষ আদালতের বিচারক পর্যন্ত তার সম্বন্ধে বলছেন যে তিনি কীভাবে ফ্ল্যাট একটা পর একটা ফ্ল্যাট নিয়েছেন এবং সেই ফ্ল্যাটগুলোকে বেআইনিভাবে বানিয়েছেন এবং কার টাকায় বানিয়েছেন, সেই সমস্ত আমরা একটার পর একটা দেখতে পাচ্ছি। তো মানুষ বুঝতে পেরেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস মানে দুর্নীতি, তৃণমূল কংগ্রেস মানে চোর, চোরেদের সরকার এবং চোরেদের মন্ত্রী, চোরেদের নেতা, চোরেদের কার্যকর্তা। चुनचुरा के जगुदास पारा में स्थित नियुक्ति भ्रष्टाचार का आरोपी शांतनु बनर्जी के फ्लैट को खोला गया। रविवार की शाम शांतनु की पत्नी प्रियंका बनर्जी ने फ्लैट का दरवाजा खोल अंदर प्रवेश किया। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका घर है, वह नहीं खोलेंगी तो कौन खोलेगा, और ईडी से मौखिक परमिशन लेकर खोला गया है। उसे जाना तो दरकार, एक नजर एंटरटेनमेंट की खबरों पर। भोला ने रिलीज के तीसरे दिन ही कमाई की रफ्तार पकड़ ली है। इस तरह फिल्म का टोटल कलेक्शन 30.70 करोड़ हो गया है। देख लेते हैं धार्मिक खबरें। हिंदू धर्म में प्रतिदिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा के लिए समर्पित है। सोमवार का दिन कल्याण के देवता माने जाने वाले भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया और बंगाल की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। मिलते हैं रात 11 बजे। नमस्कार।